Hey, what's up guys? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो रिग ड्रीम चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक 10,000 रुपीस का गेमिंग पीसी बिल्ड किया था और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना 30,000 रुपीस में भी एक वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी पे वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप भी ऐसा एक ऑसम सा वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हो, और साथ ही मैं इस गेमिंग पीसी का प्रॉपर तरीके से गेमिंग टेस्ट भी आपको शो करूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये पीसी गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका हमने इस गेमिंग पीसी में यूज किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे MSI का B450M A Pro Max यूज किया है। मैं इस प्राइस रेंज में आने वाले सभी मदरबोर्ड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इनमें से जो भी मदरबोर्ड बेस्ट लगता है आप बाय कर सकते हो। रैम की बात करें तो रैम में हमने यहाँ पे G-Skill RibJaws की 3200 MHz की 8GB की दो रैम स्टिक्स का यूज किया है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में हमने यहाँ पे पेट्रियट की 250GB की एक NVMe SSD यूज की है। यहाँ पे आपके पास स्टोरेज में और भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 250GB की NVMe के साथ 128GB की एक स्टेटा SSD का यूज किया है, तो आप इसकी जगह 500GB की कोई NVMe SSD यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बात करें पावर सप्लाई की, तो मैंने यहाँ पे कूलर मास्टर की 450W की एक ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई का यूज किया है, बट अगर आप थोड़े पैसे सेव करना चाहते हो तो आप इसकी जगह डीप कूल की PF450 के साथ भी जा सकते हो। कैबिनेट में मैंने यहाँ पे GameDS Talos E1 को यूज किया है और इसके साथ मैंने एंटी स्पोर्ट्स की एक रॉयल ARGB फैन किट भी लगा रखी है। आपको कैबिनेट में मेरी तरह एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इस कैबिनेट की जगह आराम से 2000 से 2500 रुपए के बीच में आने वाली कोई भी कैबिनेट बाय कर सकते हो। मैंने इसी रेंज में आने वाली एक गेमिंग कैबिनेट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और ग्राफिक कार्ड में मैंने यहाँ पे इनो 3D के GTX 1650 ट्विन OC एडिशन का यूज किया है। इसमें आप आराम से 1080p रेजोल्यूशन के साथ स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। और बात करें ब्लूटूथ और वाईफाई अडाप्टर की, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही अडाप्टर CP-Link के यूज किए हैं। CPU कूलर में मैंने डीप कूल के गैमिक्स 200V2 का यहाँ पे यूज किया है। आप इसकी जगह एंटी स्पोर्ट्स के RGB कूलर का भी यूज कर सकते हो। इस टाइप के CPU कूलर हमें मार्केट में कुछ 500 से 800 रुपए में देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट की, जो कि है प्रोसेसर। तो मैंने इस गेमिंग पीसी को वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए यहाँ पे एक Ryzen 7 2700 प्रोसेसर का यूज किया है। इसमें हमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, और इस प्रोसेसर के साथ आप गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। और ये प्रोसेसर मुझे सिर्फ 2000 रुपए में मिल गया था। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये प्रोसेसर मैंने कैसे इतने कम प्राइस में बाय किया था, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है जिसको आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये प्रोसेसर इस प्राइस में नहीं मिल पाता है, तो आप इसकी जगह Ryzen 3 या Ryzen 5 के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जनरेशन वाले प्रोसेसर्स के साथ भी जा सकते हो। और इस टाइप के प्रोसेसर्स आपको यूज्ड मार्केट में 2000 से 4000 रुपए में देखने को मिल जाते हैं, और यूज्ड मार्केट में इनका प्राइस मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कैसा नेगोशिएट करते हो। और मैंने जो भी कंपोनेंट्स इस पीसी बिल्ड में यूज किए हैं, तो उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इवन जिन कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे यूज नहीं भी किया है, तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट सिलेक्ट करके अपना पीसी बिल्ड कर सको। और इन सभी कंपोनेंट्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी एक बार ट्राई जरूर कर लेना, हो सकता है आपको वहां ज्यादा बेटर डील्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये गेमिंग पीसी गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहले हम यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर को टेस्ट करेंगे। इसे हम FSR क्वालिटी और 1080p ओरिजिनल मीडियम सेटिंग्स के साथ टेस्ट करने वाले हैं। गॉड ऑफ वॉर के बाद अब सेकंड गेम में हम यहाँ पे स्पाइडरमैन को टेस्ट करने वाले हैं। इसे भी हम यहाँ पे FSR क्वालिटी और 1080p मीडियम सेटिंग्स के साथ टेस्ट करेंगे।
स्पाइडरमैन के बाद थर्ड गेम में हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं डेथ स्ट्रैंडिंग को, और इसे हम टेस्ट करेंगे 1080p डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ। तो फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे वैलोरेंट को ओपन कर लिया है और इसको हम 1080p हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करने वाले हैं। और बात करें गेम नंबर 5 की, तो ये गेम हम सबकी फेवरेट गेम है जो कि है GTA 5, और इसे हम टेस्ट करने वाले हैं 1080p वेरी हाई सेटिंग्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 30,000 का पीसी बिल्ड पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।